हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? होप सो सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे कि हमको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की लिस्ट बता दीजिए, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हैं जो हमको पढ़ने होते हैं, तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम आपका जानेंगे बीएससी मैथ्स एंड बीएससी बायो के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एंड बीए के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो ये चीज़ हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे अलॉट होते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बेसिकली काउंसलिंग के टाइम पे अलॉट किए जाते हैं, वो भी आपके मार्क्स के बेसिस पे। आप पहले से प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। काउंसलिंग के टाइम पे आपको प्रेफरेंस देनी होती है, जिसमें से यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट किया जाता है। अब देख लीजिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बेसिकली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब है कि आपको तीन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे कि बीएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ आप देखिए स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल आपके 7 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है बीएससी मैथमेटिक्स के लिए। तो इन पर्टिकुलर 7 आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में से आपको कोई एक अलॉट होता है, यानी कि एक आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया जाता है, चाहे वो एक हो दो हो, मतलब कॉम्बिनेशन का कोड पढ़ रही हूँ मैं, चाहे वो एक हो दो हो तीन हो चार या 4 से लेकर 7 तक। तो ये सारी चीज़ें होगी। बात करें अब आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं आपकी, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफर कराती है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका देखें तो कॉम्बिनेशन नंबर 1 जो आपका है वो है आपका फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, सेकंड है फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, थर्ड है आपका फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये चीज़ हो गई, ये है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये हो गए आपके 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात हम करें तो 4th से हमारी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है हमारे, तो यहाँ देखिए आपका जो 4th है वो है आपका फिजिक्स मैथ्स एंड डिफेंस स्टडीज़ फिजिक्स, एंड 5th है आपका फिजिक्स मैथ्स जियोलॉजी, 6th है फिजिक्स मैथ्स एंड ज्योग्राफी, 7th जो है वो है आपका मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस एंड साइकोलॉजी। तो ये हो गए यार आपके बीएससी मैथमेटिक्स के सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद देख लेते हैं आपका बीएससी बायो के लिए। तो यहाँ बीएससी बायो के लिए जो स्क्रीन पे हैं आपको बीएससी बायो के लिए यहाँ 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेसिकली आपको रहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। इन 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में से आपको जो है एक कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया जाता है पढ़ने के लिए, जिसको आप 3 साल पढ़ते हैं, एंड लास्ट ईयर में आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट को ड्रॉप करना होता है। बात करें अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नंबर 1 की फॉर बीएससी बायो, तो यहाँ पहला कॉम्बिनेशन है जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, दूसरा जो है आपका वो है आपका जूलॉजी बॉटनी डिफेंस स्टडीज़, तीसरा है आपका जूलॉजी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री, चौथा है आपका जूलॉजी बॉटनी एंथ्रोपोलॉजी, एंड 5वां है आपका बॉटनी केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। तो ये सारे थे जो आपके बीएससी में आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक बार फिर से दिखा देती हूँ, बीएससी बायो के ये 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इनमें से आप सभी को जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी बायो में, इनमें से कोई एक अलॉट किया जाएगा। इसके साथ साथ आपके ये हैं आपके बीएससी मैथमेटिक्स के 4 ये हो गए और 3 ये हैं, यानी कि टोटल आपके 7 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है बीएससी।